जहां लॉकडाउन के दौरान कई जगह पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का अमानवीय चेहरा भी सामने आ रहा है। टीकमगढ़ में पुलिस ने लॉकडाउन के चलते गर्भवती महिला और उसके पति को अस्पताल जाने से रोक दिया। प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला बड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल पहुंच पाई। कोतवाली टीकमगढ़ में पदस्थ पुलिस आरक्षक का अमानवीय चेहरा उस समय सामने आया जब एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर अस्पताल की ओर जा रही थी। तभी पुलिस वालों ने गर्भवती महिला और उसके पति को रोक लिया। महिला के पति ने पुलिस आरक्षक को बताया कि वह अस्पताल जा रहा है, उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है और अस्पताल पहुंचना जरूरी है। उसने अस्पताल की पर्ची भी दिखाई, लेकिन आरक्षक ने एक न सुनी और उसको वहीं थाने में बैठा कर रखा। कुछ देर बाद जैसे तैसे महिला और उसका पति अस्पताल पहुंचे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।